किसी कैटेगरी में है, आपको नहीं बताया जाएगा। इस देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वो भी एबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो बड़ी आवाज चाहिए जाति जनगणना के पक्ष में मुस्लिम समाज के लिए कोई खड़े हुए हैं। अली अकबर साहब, आपको डर सता रहा है कि ओबीसी में तो आप लोग की 90% संख्या है, क्या आप हम क्या गड़बड़ी हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं 12 साल में हूँ। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज का मैं अध्यक्ष हूँ, और ये पसमांदा मुस्लिम महाज एक अम्ब्रेला संगठन है। पसमांदा मुसलमानों की मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं, पसमांदा कोई एक बिरादरी का नाम नहीं है, सारी पिछड़े अति पिछड़े, अभी तो दलित भी इसी में है पसमांदे में। तो ये एक नया सब हमने जो चलाया, माशाल्लाह ये चल गया है पूरी दुनिया में, इस पर रिसर्च हो रहा है पूरी दुनिया में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब लोग बैठे हैं जगाने के लिए कि भाई रे, बड़ी साजिश हो रही है। पहले तो साजिश हुई कि हिंदू मुसलमान की तो जनगणना होती ही है, जात की जनगणना कहे हो, मुसलमान को उसमें गायब कर दिया, कहा कि भाई अति पिछड़े पिछड़े का गणना कराइए। तो हम लोगों ने कहा कि हिंदू अति पिछड़े पिछड़े, हम लोगों ने कहा कि खबरदार, जनगणना हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, जनगणना होगी सभी लोगों की, सभी जाति धर्म के लोगों की। हम लोग मुसलमान कहाँ जाएंगे, उसमें से 80% 85% मानता मुसलमान, धार्मिक जनगणना का विरोध कर विरोध कर रहे हैं हम। जाति के आधार, जाति एक हकीकत है इस मुल्क की, हजारों साल की है, हिंदू मुसलमान सब में है। मुसलमानों का जहाँ तक सवाल है, मुसलमानों में, हिंदुओं में कोई ऐसी जाति नहीं है जो मुसलमानों में उस जाति। अली अकबर साहब, आपने लंबी लड़ाई लड़ी है गरीब मुसलमानों की, कितने परसेंट मुस्लिम समाज में जो जातियाँ हैं वो ओबीसी में है और दलित कैटेगरी में? आपने ठीक कहा कि कुछ लोगों को छोड़ कर दलित में तो 90% मुसलमान मान ले, SC ST और ओबीसी और SC कैटेगरी में, SC में नहीं है, SC का दरवाजा धार्मिक प्रतिबंध लगा के बंद है, ओबीसी में है ना, ओबीसी में है, अति पिछड़े में है, कुछ शेड्यूल ट्राइब में भी है। लेकिन हमारा कहना है कि जो शेड्यूल कास्ट का की हैसियत, मुस्लिम धोबी कलाल घोर है, इस तरह के नट है, बंगुआ है, गोबरिया है, गधेली है, बदरियाना है, मुस्लिम मोची है, इन सब लोगों को जाना चाहिए शेड्यूल कास्ट में, और शेड्यूल कास्ट का एग्जिस्टिंग कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। ओबीसी कोटा पर क्या कहेंगे? अभी तो ओबीसी पर मामला 60% ओबीसी की आबादी है, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी मिला के, माइनॉरिटी में कहता हूँ तो सिख भी ओबीसी है, क्रिश्चियन भी ओबीसी है, आपको बता दें मुसलमान भी ओबीसी है, इसको लेकर क्या रणनीति है? इसकी हमारी रणनीति है कि अकेले ये हमारा मसला नहीं है, ये हिंदू पिछड़ों दलितों सबका मसला है। इसलिए कि दबाव बना है तो मोदी जी सोच तो रहे हो, दबाव बन रहा है अंदर से बाहर से कि जाति जनगणना का ये, लेकिन उसमें साजिश अंदर खाने ये हो रही है कि इसको डिजिटल कराया जाए, ऑनलाइन कराया जाए। तो कहने के लिए तो जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन जब ही ऑनलाइन होगी तो उसमें जितने गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, सब लोग उससे छूट जाएंगे, आंकड़ों की चोरी हो जाएगी, आंकड़ों की चोरी हो जाएगी, झूठ हो जाएगी, उनको छाट दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए सर कि जो 90% मानिए मुसलमान तो ऑलरेडी बाहर है, नौकरी की बात करें मुसलमान तो बाहर, बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा तो हिंदू जिसको कह रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग हैं, SC के लोग हैं, उनकी जाति जनगणना से क्यों बच रहे हैं? मान लीजिए मुसलमान से अगर दुश्मन तो हिंदुओं को भी तो नहीं गिनती हो रही, इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई उनकी भी गिनती होनी चाहिए, अपर कास्ट जो जनरल कैटेगरी के हैं, मुस्लिम हिंदू सबकी गिनती होनी चाहिए, नहीं गिनती होगी तो कैसे पता चले? फायदा क्या हुआ गिनती से? गिनती से फायदा ये होता कि सरकार जो योजनाएं बनाती है, अगर उसको ठीक ठीक पता चलेगा कि किस जाति में कितने लोग कितना पीछे हैं और किस जाति के लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, अपने प्रोपोर्शन से आगे बढ़ गए हैं, संसाधनों पर किनका कितना कब्जा है, सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में कितना है, जजेज कितने हैं, ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं, प्रोफेसर कितने हैं, चपरासी कितने हैं, अली अनवर कितने हैं, हिंदू और मुस्लिम जो है उसको अधिकार से मतलब नहीं है सर, उसको कलेक्टर DM जज नहीं बनना है, किसी के लिए मंदिर प्यारा है, किसी के लिए मस्जिद प्यारा है, कहाँ रोजी रोटी का सवाल है? आप पहले बताइए अली अनवर कितने हैं?
ये इससे कैसे निकालेंगे आप? हम इसीलिए कह रहे हैं कि सरकारी विभाग तो सब महात्मा बेच रहे हैं, अडानी अंबानियों के हाथ में अपने चहेते हैं, लेकिन गैर सरकारी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि ये अभी से शुरू हो गया, जब जब जनगणना होती है तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तैयार हो जाता है। अब नाम भले बदल गया हो, आरएसएस हो गया, बीजेपी हो गया है, अब मुस्लिम का वो वैसी साहब हो गए हैं, ये लोग कनफूसिया प्रचार करेंगे कि हिंदू वो कहता है कि हिंदू मत लिखवाओ, हिंदू लिखवाओ, अपना जात मत लिखवाओ। इधर ये प्रचार कर रहे हैं कनफूसिया कि मुसलमान में जात मत लिखवाओ, मुसलमान लिखवाओ, नहीं तो हमारी संख्या, हम तो ऐसे ही अकलियत में हैं और हम खत्म हो जाएंगे। नहीं तो धर्म धर्म आपका इस्लाम होगा और जाति तो उसमें भी आई मुसलमान, इसीलिए ना हम कभी तक तो धर्म के नाम पर जनगणना होती रही है, अब जात के नाम पर। बताइए क्या जिस तरह से इधर हिंदुओं में सबर अपर कास्ट के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो शोषण कर रहे हैं, क्या मुस्लिम समाज में भी है कि जो अशराफ मुसलमान है वो पसमानदा के पक्षधर नहीं है? देखिए एक बात जानते हैं आप लोगों में, तो मजहब तब्दील करने से, जाति बदल जाने से, धर्म बदल जाने से इंसान की सामाजिक स्थिति नहीं नहीं बदलती है। इस बात को गांधी जी ने भी कहा, इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने बारह कहा है, इस बात को लोहिया जी ने कहा है, इस बात को आपको मार्क्सिस्ट महापंडित राहुल शंकरताइन ने कहा है। हमने जो बुकलेट जारी किया है उसमें गांधी जी का कोटेशन दिया है, सबने माना है। तो कहाँ मुस्लिम समाज तो नहीं निकल रहा है ना घर से, 20 करोड़ आबादी है सर आप लोग, उसमें 90% पसमानदा है आपकी संख्या है, कहाँ आप सांसद हैं, कहाँ आप आरक्षण की लड़ाई में वो खाली और एक अकेला अलीगढ़ दिख रहा है? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, देखिए अकेले ये सभी जातियों के कबीलों के हेड लोग आए हैं, मारामारी थी, हमको जबरदस्ती कोरोना प्रोटोकॉल के चलते हम लोग इससे भी पहले रामलीला मैदान भरे हैं, पार्लियामेंट को घेरे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा को घेरे हैं, बिहार विधानसभा को घेरे हैं। आपको बताएं कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा बना हम लोगों के आंदोलन के चलते, आल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के आंदोलन के चलते, आंध्र प्रदेश में ये ओवैसी तो विरोध कर रहे थे, ये तो अहली मुसलमानों के नेता है, मुस्लिम लीग की अहमियत क्या है, जब वहाँ आरक्षण लागू हुआ तो वहाँ पर इन्होंने विरोध किया, उसने घुसा दिया था सर जनरल। अब जाके पीएस कृष्णन साहब उस जनरल कैटेगरी के लोगों को उसमें से निकाले तो पीएस कृष्णन का पुतला जलाया ओवैसी साहब के लोगों ने। मैं सवाल करवा है जवाब दीजिए अकबर साहब, मुस्लिम समाज आरक्षण का विरोध नहीं करता लेकिन आरक्षण की लड़ाई में आगे भी नहीं आता? देखिए मुस्लिम समाज की बात सही है कि वो पीछे थोड़ा रह जाता है, लेकिन ये बात विरोध भी नहीं करता, सुनिए ना, ये बात भी सही है कि मुस्लिम समाज जो है और खास करके उसका पसमानदा समाज, वो जो आरएसएस है और बीजेपी है उसके साथ नहीं चला जाता है, दलित समाज के लोग चले जाते हैं, ओबीसी के लोग बड़े संख्या में चले जाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज नहीं है। हमको अफसोस यही है कि जो दलितों का नेता बनते हैं, ओबीसी का नेता बनते हैं, वो भी पसमानदा मुसलमानों को नजरअंदाज करते हैं, उनके आँख से ओझल हो जाते हैं। तो फिर कैसे कैसे मिलेगा अधिकार आप लोग, तो टुकड़ों में बटे हुए, क्या जाति और धर्म से उठकर एससी एसटी ओबीसी की यूनिटी हो सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है? हमने ओबीसी के नाम पर यूनिटी हो सकती है? हमने आपने देखा है सबू जी, 12 साल पार्लियामेंट में रहे हैं, 24 साल पत्रकार रहे हैं, 3 साल बैकवर्ड कमीशन के मेंबर रहे हैं, बचपन से हमारा तो नारा ही है कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। आप भी आज भी देखा हमारे बुकलेट पर सबसे प्रमुखता से यही नारा है, हम अकेले नहीं जीत सकते हैं, हम क्या दलित अकेले नहीं जीत सकते, ओबीसी के लोग अकेले नहीं जीत सकते, मुसलमान पसमानदा एक तो वो तो और कमजोर है, वो नहीं जीत सकते। तो रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि लोगों को तैयार किया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए, जाति जनगणना से रास्ता निकलेगा। जाति जनगणना ही आज की तारीख में समझ रहे हैं, कल को तो बढ़िया कोई दवा निकल जाए, लेकिन क्रिमिनल पोलराइजेशन का अभी सबसे बढ़िया जो दवा है उस बीमारी का इलाज है वो जाति जनगणना। एक सवाल और अनिल साहब, क्या लग रहा है ये जो हिंदू का सवाल है, भागीदारी का सवाल है, तो क्या सवाल है,
इसमें आपको क्या लगा, आप 12 साल संसद में रहे, 20 साल पत्रकार रहे, 3 साल कमीशन में रहे, सबसे बड़ा लाभार्थी इस देश में कौन है, माल कौन खा रहा, मोटा माल कौन चाम रहा? देखिए जाहिर है कि जो घबरा रहा है जाति जनगणना कराने से वही लोग अपना भेद खुलने के डर से घबरा रहे हैं, जाहिर है वही तो कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि उन लोगों को भी जनगणना हो जाए, तभी ना बात पता चलेगा। अब मोदी जी चाहते हैं और यहाँ तक कि दुर्भाग्य की बात है कि सीधे नेता भी अंदर खाने कहीं तैयार नहीं हो रहे हैं, अभी सिर्फ पिछड़ों का कराते हैं। तो पिछड़ों का खाली जनगणना कराने से असली बात तो पता नहीं चलेगी कि कौन आ रहा है, कहाँ जाते मनाई जा रहा है। तो देखिए अली अनवर साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, 20% 20 करोड़ से 25 करोड़ के बीच है, उसमें 90% मुसलमान अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ भारत एक जाति प्रधान देश है, यहाँ हर धर्म में जाति बना हुआ है और उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, इसीलिए जाति जनगणना जो है वो देश बनाने का प्रोग्राम है। एक बात तय कर लीजिए, जो जाति जनगणना का विरोध कर रहा है इसका मतलब समझ लीजिए कि वो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चन हो, उसकी हकमारी कर रहा है। आप पहचानिए कि जाति जनगणना के खिलाफ कौन है और जाति जनगणना के पक्ष में कौन है। जो जाति जनगणना के खिलाफ है वो संविधान के खिलाफ है, जो जाति जनगणना के पक्ष में है वो इस देश की एकता बहुसंख्यक आबादी के पक्ष में है। अली अनवर वही एक चेहरा है जिन्होंने बहुत पहले पत्रकार रहते हुए समझ लिया था कि इस देश में हक की लड़ाई जो है वो संविधान से लड़ी जाएगी, और इसीलिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया और इस देश के 90% मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में जगह मिली और वो नौकरी चाकरी में जा रहे हैं। आपको तय करना है कि आपका भला कैसे होगा, आपकी रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी का सवाल है। जाति जनगणना को लेकर अली अनवर ने एक बड़ी बैठक की है, पसमानदा समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो साफ कह रहे हैं कि 90% मुसलमानों की जो राय है कि धर्म के आधार पर जातियों की वृद्धि की जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए क्योंकि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन निधि रंजन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।